नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस चैनल पे पाँचवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक सब सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर कक्षा सातवीं विषय हिंदी पहली इकाई पाठ क्रमांक एक वाचन मेला। बच्चों, हम जीवन में जितनी अधिक किताबें पढ़ेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, इसलिए हमें तरह तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। देखो, समझो और बताओ। बच्चों, यह एक चित्र वर्णनात्मक पाठ है। इस चित्र का आप निरीक्षण करो। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में बहुत सारी पुस्तकें दिखाई दे रही है। यह एक वाचन मेले का दृश्य है। एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं, जैसे बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य इत्यादि। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई है। बाल साहित्य में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। इनमें रखा हुआ साहित्य डिजिटल रूप में है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है। यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं। वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा है। मेले में स्कूली गणवेश में तीन छात्र और पांच छात्राएं दिखाई दे रहे हैं, जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है, जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है, जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। और दूसरी सूचना है पुस्तकें है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। बच्चों, इस चित्र से हमें क्या बोध होता है? यह जो चित्र है हमें ग्रंथों का महत्व बताता है, वाचन का महत्व बताता है। वाचन संस्कृति जहाँ होती है वहाँ अच्छे विचारों का कोई अभाव नहीं होता। अच्छे विचार हमारे जीवन में लाभदायी होते हैं।